दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बुरा साल कौन सा था, या दुनिया का सबसे बुरा साल किसे कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 536 इतिहास का सबसे बुरा साल कहा जाता है, पर क्यों? चलिए जानते हैं। जब एक बार लोगों से पूछा गया कि सबसे बुरा साल कौन सा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिशेल कॉर्मिक ने बताया कि इतिहास का सबसे बुरा साल 536 सबसे बुरा साल है। पर ऐसा इस साल में क्या हुआ था कि जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा इस साल में क्या हुआ था जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है? कोई युद्ध हुआ था या कोई बीमारी आई थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि ये मानव सभ्यता का वो दौर माना जाता है जिसमें इंसानों की प्रेजेंस में प्रकृति ने मौत का सबसे बड़ा तांडव किया था। ये एक ऐसा तांडव था जो एक दो साल नहीं बल्कि बहुत सालों तक चलता रहा था, और सब कुछ पहले जैसा बनने में 9 से 10 साल लग गए थे। 536वां साल की स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर जब एक दिन लोग सुबह सोकर उठे, उनके घरों के बाहर अचानक अंधेरा छाया हुआ मिलता है। हर जगह सिर्फ काले बादल और धुआं नजर आता है, और आसमान में सूरज गायब हुआ होता है। सब लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एक दो दिन तो लोगों को लगा कि ये मामूली तूफान या मौसम में परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे काले बादलों ने पूरे यूरोप के मिडिल ईस्ट के देशों को और एशिया के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया, तब जाके इंसानों में खलबली मची। अब लोग बहुत सारे दिन तक सूरज उगने का इंतजार करने लगे, लेकिन आसमान में सूरज दिखना तो दूर, उसकी रोशनी पड़ना तक मुश्किल हो गया था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और उस टाइम लाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो लोग लालटेन और लकड़ी जलाकर रोशनी करने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे महीने बीत गए, लेकिन हालात वैसे ही रहे, और सूरज नहीं निकलने की वजह से धरती का तापमान लगातार गिरने लगा, और चीन जैसे देश में गर्मी में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, और गर्मी में भी एशिया के देशों में बर्फ पड़ने लगी, और हर तरफ सब कुछ बर्फ की वजह से जम रहा था, और सर्दी की वजह से किसानों की फसलें खराब होने लगी, और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हर कोई सूरज के निकलने का इंतजार करने लगा, और एक टाइम के बाद लोगों ने सूरज निकलने की उम्मीद भी खो दी थी। हर कोई सोचने लगा कि अब दुनिया का अंत नजदीक है, और ये जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और लोगों को उनके पापों की सजा मिल रही है। चारों तरफ भुखमरी फैलने लगी। मकर रेखा के उत्तरी भाग में जीवन की कल्पना करना भी दुश्वार हो रहा था। भुखमरी के कारण लोगों की मौत हो रही थी, और उस समय के लोगों को विज्ञान के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, और ना ही कोई साइंटिस्ट था जो कि किसी मशीन से धुएं को दूर कर सकता था। सब कुछ बंद हो चुका था, ना ही फसल थी और ना ही लोगों के पास खाने को कुछ था, तो लोगों ने जानवरों का मांस खाना स्टार्ट कर दिया, और लोग अपने पालतू जानवरों को भी खाने लगे। और कुछ इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि उस समय जो लोग मर रहे थे उसकी वजह भी यही थी कि उनके ही साथ वाले उनका मांस खा रहे थे और खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। लगातार 18 मंथ तक ऐसा ही चलता रहा, और लगभग लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे। 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, और एक दिन अचानक आसमान में एक चमक नजर आई और सूरज निकल गया, और सूरज को देखकर लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रकृति में सब कुछ इतना जल्दी नहीं बदलता। सूरज आसमान में तो था, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं थी जो पहले लोगों को महसूस हुआ करती थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि सूरज को बर्फ को पिघलाने में और तापमान को नॉर्मल करने में 9 से 10 साल लग गए, और उस दशक को 2300 साल का सबसे ठंडा दशक माना जाता है, और इस अंधकार से लोग अभी तक भी बाहर नहीं आ पाए। 540वीं शताब्दी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनाइक पेल्ग्यू बीमारी की शुरुआत हो गई। अलावा बहुत सारी जगह ज्वालामुखी भी विस्फोट हुए, और 6th सेंचुरी को डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम लोगों को ये नहीं पता था कि अंधेरा क्यों छाया रहा, लेकिन अब साइंटिस्टों ने इस पर से पर्दा हटा दिया और बताया कि 536वीं के समय आइसलैंड के एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था, और ये इतना भयंकर था कि इसका लावा दूर तक गया, और इस ज्वालामुखी के कारण ही चारों तरफ आसमान में धुआं ही धुआं हुआ और काले बादल छा गए, यूरोप से एशिया तक फैल गए, और सूरज का दिखना मुश्किल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी प्रोकोपियस के द्वारा मिलती है, जो 6th सेंचुरी के फेमस इतिहासकार थे। उन्होंने इन सब के बारे में काफी विस्तार में लिखा है, और इस सारी आपदाओं के कारण 25 से 100 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी थी। आई होप आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।